हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अरविंद यादव और आप देख रहे हैं परमार्थ इंडिया। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे सेकंड लेक्चर किसका, एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये सेकंड लेक्चर है, इसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज मास रेशो की बात करेंगे, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बात करेंगे और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तीन चीज़ों को कवर करने वाले लेक्चर, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं चार्ज मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ई अपॉन एम। ठीक है बच्चों, चार्ज मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज मास, जे.जे. थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें उन्होंने क्या लिया था, आपको डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में मैंने पहले ही बता रखा है। और एक बात देखिए बच्चों, डिस्चार्ज ट्यूब का सबसे अच्छा एग्जांपल आपको जो पुराने समय में टेलीविजन हुआ करते थे, ठीक है, उसमें जो पिक्चर ट्यूब हुआ करती थी, वो बिल्कुल सबसे सटीक एग्जांपल है किसका, डिस्चार्ज ट्यूब का। वो उसमें भी डिस्चार्ज ट्यूब लगी होती है और उसमें भी काफी हाई वोल्टेज क्या होते हैं, काफी हाई वोल्टेज दिया जाता है किसे, डिस्चार्ज ट्यूब को, यानी पिक्चर ट्यूब को। तो यहाँ वहां पर पिक्चर ट्यूब जो होती है बच्चों, पिक्चर ट्यूब पर क्या एक फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा होता है और वहां पर कोई भी पिक्चर हमें दिखाई देती है। तो बच्चों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और मैं सबसे पहले उस डिस्चार्ज ट्यूब को बनाने की कोशिश करूंगा जैसा भी मुझसे बनाना आएगा। तो ये इस तरीके से कुछ यहाँ पर कैथोड लगा होता है, ठीक है, और ये कैथोड इधर आया। पिछली वीडियो में जो पिछली वीडियो थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, उसमें ये पोलरिटी अपोजिट हो गई थी, उसे सीधी कर लेना, ठीक है, वो कर ली होगी आपने। और इसके बाद ये उन्होंने इंडक्शन कॉइल लगा ली और यहाँ पर लगाया इन्होंने क्या, एनोड, ठीक है। और ये एनोड कैसा है, इसमें एक होल है, ठीक है, इस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर, ओके। अब क्या है, ये एनोड हो गया, इसे मैंने इसे क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से गया, ये कुछ इस तरीके का क्या होता है बच्चों, डिस्चार्ज ट्यूब होती है, ठीक है बच्चों, इनका पूरा का पूरा एपरेटस था। तो यहां से क्या होगा बच्चों, कैथोड रे निकलेगी और इधर से पार होती उधर नहीं जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर सीधी यहाँ पर, ये मान लो स्क्रीन है, इस तरीके से मैं बना देता हूँ, और ये कोई पॉइंट है बच्चों, मान लीजिए बी है, यहाँ पर जाके ये स्ट्राइक करती है, यहाँ पर जाके ये बिल्कुल सामने लगती है। इन्होंने क्या काम किया, अपने एपरेटस में यहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और यहाँ पर इसे पॉजिटिव प्लेट से जोड़ दिया, ठीक है, और यहां पर उन्होंने एक नेगेटिव प्लेट लगाई इस तरीके से, और यहां इस तरीके से उन्होंने इसे नेगेटिव से जोड़ दिया। तो बच्चों इसके अक्रॉस उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड को जैसे ही उन्होंने अप्लाई किया, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो क्या होता है बच्चों, ये कैथोड रे जो आ रही होती है वो यहां से डिफ्लेक्ट होके पॉइंट ए पर पहुंच जाती है, कहां पर, बी पर ना रह के पॉइंट ए पर पहुंच जाती है, और यहां से डिफ्लेक्शन हो जाता है, मान लीजिए थीटा हो गया, ठीक है, और यहां से ये डिफ्लेक्शन हो जाता है। हमें मालूम होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है और इसका भी हम मेजरमेंट कर लेते हैं कि डिफ्लेक्शन कितना होता है, ठीक है। सिमिलरली उन्होंने क्या काम किया कि यहां पर ज्यादा अच्छा स्ट्रक्चर मैं नहीं बना पाऊंगा, इस तरीके से इन्होंने एक मैग्नेट लगाई, ठीक है, इस तरीके से उधर नॉर्थ पोल उधर साउथ पोल, इस तरीके से, ठीक है। आप ये मान के चलिए, ये नहीं लगा रहा मैं, उतना 3D डायग्राम नहीं बना पाऊंगा, आप ये मान के चलिए ये कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाया उन्होंने, इधर नॉर्थ पोल है और उधर क्या है, साउथ पोल, ठीक है। तो इसकी जो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बच्चों वो कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे इस तरीके से होगा। तो आप देखिए बच्चों कि क्या जा रही है, इधर को इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं भाई, कैथोड रे है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज इधर जा रहे हैं, तो करंट क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, और ऊपर क्या है, मैं एक्चुअली
ये इस तरीके से बच्चों, ये जो नॉर्थ है ये यहाँ पर है और साउथ पीछे है, समझ रहे, 3D नहीं बना पा रहा हूँ मैं, ठीक है, ये नॉर्थ क्या है आगे है, साउथ पीछे है, तो इस तरीके से जा रही है बच्चों, ये क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन के, इस तरीके से तो क्या नीचे को डिफ्लेक्शन होगा, बिल्कुल समझ ले, 3D डायग्राम है ये, नॉर्थ बाहर है साउथ पीछे है, समझ रहे हैं, तो ये क्या है बच्चों, यहां से डिफ्लेक्शन हो जाएगा नीचे के लिए, ठीक है, थीटा डैश मान के चलिए, तो ये सी पॉइंट हो गया बच्चों, एक बात समझ लीजिए, तो क्या हुआ यहां पर, क्या ये कैथोड है, कैथोड, ठीक है, और ये क्या है बच्चों, एनोड, ठीक है, और यहां से पार, इसमें छोटा सा होल है उससे पार होके निकल जाती है कैथोड रे, तो इसमें डिफ्लेक्शन होता है, इसी डिफ्लेक्शन से क्या होगा, मीजरमेंट होगा, क्या बच्चों, मीजरमेंट होगा कि भाई कितना ई अपॉन एम रेशियो है बच्चों, ठीक है, तो इसे मीजर करना, कोई इसे मीजर किया जा सकता है कि कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, और यहां पर ये जो स्ट्रेंथ है वो वहां पर उन्हें मालूम होती है, अगर बच्चों इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डिफ्लेक्शन बढ़ जाता है, क्या बच्चों, डिफ्लेक्शन बढ़ जाता है, समझ रहे हैं, फर्स्ट थिंग, और मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ा दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड इधर नीचे को बढ़ जाएगा, हाँ एनसीईआरटी में शायद इसका जो नॉर्थ और साउथ उल्टा दे रखा है, ठीक है, तो मुझे लगता है वो थोड़ी मिस्टेक है, उसे सही कर लेना, ये बिल्कुल सही बनाया मैंने, ठीक है, कोई नहीं, तो उसके बाद क्या बच्चों, अगर इसे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाओगे, क्या अगर यहां पर दूसरी यहां मैग्नेट लगा दी और नीचे को क्या है इसका डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा, फर्स्ट थिंग, बट दूसरी बात एक देखिए कि यहां से जो भी पार्टिकल आ रहा है, अभी तो हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, प्रोटॉन का भी हम ई अपॉन एम निकाल सकते हैं किसी भी चार्ज पार्टिकल का, तो चार्ज पार्टिकल पर जितना ज्यादा चार्ज होगा और उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच होगा, भाई दो चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है तो ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, तो ऊपर के लिए क्या होगा, ज्यादा अट्रैक्शन होगा, चार्ज ज्यादा होगा, और सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, नीचे को, तो डिफ्लेक्शन बढ़ जाता है अगर मैग्नीट्यूड चार्ज का ज्यादा होता है, बट यहां पर इलेक्ट्रॉन की बात थी तो इलेक्ट्रॉन का हमें मालूम है कितना होता है चार्ज, ठीक है, ठीक है, तो यहां पर क्या है, बिल्कुल मैग्नीट्यूड उसका फिक्स रहेगा, चार्ज कोई बढ़ तो रहा नहीं है वहां, नहीं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने कैलकुलेट किया क्या, ई अपॉन एम रेशियो किसके, इसके डिफ्लेक्शन को, एक चीज और देखिए, अगर पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करूं तो कोई और पार्टिकल है बच्चों, क्या कोई और पार्टिकल है, तो पार्टिकल में एक बात समझिए, उसका मास जितना ज्यादा होगा, सही है, तो ज्यादा कि जितना मास ज्यादा होगा उतना डिफ्लेक्शन कम होगा, क्यों, हल्का पार्टिकल जल्दी से क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, जितना लाइटर दी मास और ग्रेटर दी डिफ्लेक्शन, दूसरी चार्ज वाली बात समझ में आ गई होगी आपकी, तीसरी इनका मैग्नीट्यूड, इनकी स्ट्रेंथ अगर फील्ड की चेंज कर दी जाए तो डिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाता है, ये सारी बातें थी और इन्होंने कैलकुलेट किया था, तो ये आया था 1.758820 इंटू 10^11 कूलम पर केजी, तो ये ई अपॉन एम की वैल्यू निकल कर आई थी, ठीक है बच्चों, तो दो चार बातें अभी लिख देते हैं, चलो पहले से नोट कर लो, अभी लिख देते हैं, नोट कर लीजिए इसे, जल्दी से कर लीजिए नोट, बनाना हो डायग्राम तो बना लो, ओके, तो इसे मैं इरेज कर देता हूं, ओके, तो इसे डिफ्लेक्शन डेविएशन या डिफ्लेक्शन, ओके, अगर यहां पर बात करें डेविएशन, डेविएशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ presence of electric and magnetic field, depends upon following,
किस किस पर डिपेंड करता है, ये सभी के लिए हो जाएगा, ठीक है। नंबर वन किस पर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, किसका, पार्टिकल का चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो पहली बात, पहला पॉइंट हो गया, चलो ठीक है। तो क्या है बच्चों, हम क्या बात करेंगे, ग्रेटर दी, एक काम करो हायर लिख दो, ठीक है, हायर दी चार्ज, चार्ज ऑन पार्टिकल, हायर दी, हायर दी डेविएशन, ठीक है, हायर दी डेविएशन, उतना ही ज्यादा क्या होगा, डेविएशन। नंबर टू, ये किस पर डिपेंड करता है, दूसरी चीज और देख लीजिए, मास, ठीक है, मास ऑफ पार्टिकल, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा बच्चों, जितना ज्यादा लाइट पार्टिकल होगा उतना ही डेविएशन होगा, ठीक है बच्चों। लाइटर दी पार्टिकल, हायर दी लार्जर बोल दो या हायर दी डेविएशन, डेविएशन उतना ही ज्यादा हायर होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा अमाउंट होगा, ठीक है। लाइटर दी पार्टिकल, लाइटर दी पार्टिकल ग्रेटर दी डेविएशन, ठीक है, या हायर बोल दो, ठीक है। नंबर थ्री क्या बच्चों, नंबर थ्री एक चीज है कि क्या है, मैग्नीट्यूड, क्या बच्चों, सॉरी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जो स्ट्रेंथ है किसकी, जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर लगाया, तो क्या होगा, जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उतना ही ज्यादा डेविएशन होगा, ठीक है बच्चों। ग्रेटर दी स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बच्चों, क्या होगा, ग्रेटर दी डेविएशन। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी बच्चों कि तीन बातें मैंने यहां आपके सामने लिख दी, क्या, नंबर एक तो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतना ज्यादा डेविएशन होगा, तो इससे मालूम पड़ गया कि चार्ज कितना, जो सॉरी डेविएशन कितना हो रहा है, इससे मालूम पड़ गया भाई चार्ज कितना है। दूसरा क्या है बच्चों कि मास ऑफ द पार्टिकल, भाई मास जितना ज्यादा होगा उतना ही वो हैवी हो जाएगा तो चल नहीं पाएगा, डेविएशन कम होगा, ठीक है। लाइटर दी पार्टिकल हायर दी डेविएशन, ठीक है, या फिर हायर दी हैवियर दी पार्टिकल और लेसर दी डेविएशन। उसके बाद क्या करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ दी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाया उसके अकॉर्डिंग क्या है, जितना ज्यादा क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा बच्चों, वहां डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा। ग्रेटर दी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेटर दी डेविएशन। तो ये सारी बातें हो गई किसके बारे में, किसके बारे में बच्चों, इसके ई अपॉन एम। तो ई अपॉन एम की जो वैल्यू निकाली गई बच्चों, इनको बिल्कुल फिक्स करके बीच में इन्होंने मीजरमेंट किया दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद कि भाई कितना आएगा। तो ई अपॉन एम की जो वैल्यू आई थी बच्चों किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन के लिए E अपॉन एम की वैल्यू क्या आई, E अपॉन एम, E मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये 1.75888 × 10^11 कूलम पर केजी, ठीक है। मिलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से ये मालूम पड़ गया था कि जो चार्ज होता है किसका, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कितना होता है,
1.6022 इंटू 10^-19 कूलम। ये क्या हो गया था बच्चों, मिल्कन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से मालूम पड़ गया था कि चार्ज कितना होगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद यहाँ पर क्या है बच्चों, मास ऑफ दी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा बच्चों, ई यहाँ पर देखिए ई अपॉन ई एम। ठीक है, तो ई कितना होता है 1.6022। ठीक है, इंटू 10^-19 कूलम, और ये होता है 1.75820 इंटू 10^11। ठीक है, तो इसे अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 9.1 × 10^2। ये मैंने केवल दो डिजिट में लिखा है, 9.1 × 10^-31 किलोग्राम। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज कैलकुलेटेड बाय द चार्ज मास रेशो। ठीक है, तो ये हो गया मास, किसका मास हो गया बच्चों, ये मास है बच्चों इलेक्ट्रॉन का। इतनी बात तो आई होप आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, तो ये आप नोट कर लीजिए, ये क्या हो गया बच्चों, ई अपॉन एम, क्या बच्चों, ई अपॉन एम रेशो ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, ये ई अपॉन एम रेशो प्रोटॉन के लिए भी प्रोटॉन नहीं, ये क्या बच्चों, ये ई अपॉन एम रेशो किसका है, इलेक्ट्रॉन का है। ठीक है बच्चों, तो ओके नोट कर लीजिए इसे। तो बच्चों इसे नोट कर लिया होगा आपने, तो आप कर देते हैं इसे इरेज, और इसके बाद बात करते हैं अगले टॉपिक की। और अगला टॉपिक क्या है बच्चों, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। क्या बच्चों, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हेडिंग डालते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, या फिर कैनाल रेस, कैनाल रेस। तो बच्चों ये बात देखिए, जब जे जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था कि डिस्कवरी हुई थी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, तो उस एक्सपेरिमेंट को अलग अलग लोगों ने क्या अपनी अपनी लेबोरेटरी में क्या किया, परफॉर्म करके देखा था, उस एपरेटस में डिफरेंट डिफरेंट चेंज किए, और चेंज करने के बाद उसी समय क्या हुआ था, ये अकस्मात डिस्कवरी हुई किसकी, कैनाल रेज की, या फिर मैं कहूँ प्रोटॉन की। तो क्या था बच्चों, यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि रदरफोर्ड, कुछ कहते हैं गोल्डस्टीन, तो आप ये मान के गोल्डस्टीन ने क्या करी थी, डिस्कवरी करी थी किसकी, प्रोटॉन की। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिया गया था, ये वैक्यूम कर लीजिए बी ए, ठीक है, वैक्यूम पंप, और वैक्यूम पंप पर उस समय हम थोड़ा एक काम करें, उल्टा कर लेते हैं, इधर क्या लगा लेते हैं हम, ये लगा लेते हैं एनोड लगा लेते हैं इधर, क्या बच्चों, एनोड लगा लेते हैं। ठीक है, दोनों एक ही तरह की हो जाएंगी। ठीक है, चलो एनोड ना लगाते हैं, जैसा किया था वैसे करते हैं। ओके, तो हमने क्या काम किया, यहां पर एक परफोरेटेड क्या लगा दिया, और यहां पर ठीक इधर लगा, परफोरेटेड कैथोड है यहां पर। ठीक है बच्चों, कैथोड, और उसके बाद यहां ये हो गया कैथोड, और ये इस तरीके से हमने इसे यहां पर ज्वाइन कर दिया, सही है, और ये क्या इंडक्शन कॉइल लगा दी यहां पर, पॉजिटिव नेगेटिव और उधर पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या है, इसमें वैक्यूम तो हमने क्रिएट किया ही था, फिर अपनी मर्जी से इसमें कोई गैस भर ली। जनरली मैं बात करूं तो उस समय हाइड्रोजन गैस थी, क्या थी इसमें, हाइड्रोजन गैस थी, और यहां पर मैं कहूं तो उसी की तरह यहां पर की लगा लीजिए, और जैसे ही इन्होंने इसे ऑन किया और हाई वोल्टेज लगाया यहां पर, क्या हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज वही अप्रॉक्स 10,000, ठीक है 11,000, तो हाई वोल्टेज अप्लाई किया, तो यहाँ से क्या हुआ, और यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि जिंक सल्फाइड की कोटिंग लगाई गई थी, क्या ZnS की लेयर, ठीक है,
जिंक सल्फाइड, ठीक है, यहाँ कोटिंग की गई थी। तो जैसे हाई वोल्टेज अप्लाई किया तो यहाँ पर आके कुछ शाइनिंग प्रोड्यूस हुई, इधर से कुछ रेज आती हुई अपीयर हो रही, ऐसा लग रहा था कि इधर से कुछ रेज आ रही हैं और यहाँ पर टकरा रही हैं। इन रेज को उन्होंने बोल दिया था क्या, कैनाल रेज। क्या बच्चों? कैनाल रेज और एनोड रेज। क्या बच्चों? एनोड रेज, क्योंकि वो एनोड से आ रही थी। और आप ये बात बिल्कुल समझ लीजिए कि इसमें भी वही काम किया था जो किसमें किया था, उसके केस में, इलेक्ट्रॉन के केस में, यानी कैथोड रेज के केस में। यहाँ पर भी क्या काम किया उन्होंने, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के देखा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लगाया तो एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव, ठीक है, तो नेगेटिव फील्ड की तरफ को क्या हो गई, डिफ्लेक्ट, ठीक है। फिर इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो मैग्नेटिक फील्ड में भी उधर डिफ्लेक्ट हुई, जिधर को पॉजिटिव चार्ज डिफ्लेक्ट होता है। फिर उसके बाद इन्होंने इसमें भी बीच में वो छोटा सा व्हील रख के देखा और वो भी इसमें रोटेट हो रहा था। यहाँ पर एक छोटा सा व्हील रखा और उसे भी इस तरीके से वो भी रोटेट हो रहा था, ठीक है, पार्टिकुलेट नेचर की तो थी ये, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये शैडो भी बना रही थी, किस तरीके का कोई ऑब्जेक्ट रख लिया था उसकी शैडो भी यहाँ पर बन रही थी, ठीक है। तो बिल्कुल सारे के सारे काम हो रहे थे जो पीछे हमने किए थे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, ठीक है। तो ये थी बच्चों क्या, कैनाल रेज। एक बात आ जाती है, कैनाल किसे कहते हैं, कैनाल से मतलब क्या, एक पाइपलाइन, ठीक है, ठीक है। तो कैनाल की तरह यहाँ पर ये एनोड रेज आ रही हैं, तो यहाँ पर ये होल्स जो हैं होल से आ रही हैं, इस तरीके से कह सकते हैं ये कैनाल से आ रही, तो इन्हें बोल दिया था कैनाल रेज। अब एक्चुअल में ये क्या था, ये कुछ नहीं था, न्यूक्लियस था हाइड्रोजन के एटम का। तो जो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस भरी थी हाई वोल्टेज पर क्या हो गई, पहले तो उनके बॉन्ड ब्रेक हो गए, ठीक है, एटॉमिक फॉर्म में आ गई और एटम भी क्या हो गया, वो भी आयनाइज हो गया। उनके इलेक्ट्रॉन तो किधर चले गए, पॉजिटिव की तरफ, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इधर चले गए। तो जो प्रोटॉन था, क्या बच्चों, जो न्यूक्लियस था वो इधर चला गया। और आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस प्रोटॉन ही होता है, वो सीधा चला गया। तो इसलिए ये क्या था, पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज थी, पार्टिकल था, और इसे क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, ठीक है। पर उस समय ने कैनाल रेज या हम कह सकते हैं एनोड रेज भी बोला गया था। तो ये सारी बात हो गई, इनकी जो प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, वो क्या थी, ठीक है, बाद में चलो इसे रेज कर देते हैं, पहले देख लीजिए आप, इसे कुछ नोट करना हो। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेस, कैनाल रेस, नंबर वन, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दूसरी, स्ट्रेट लाइन में तो ट्रैवल करती हैं, ठीक है, और दे आर हैवियर, नहीं हैवियर नहीं, एक मिनट, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। They depends upon the gas, ठीक है, they depends upon the gas used in क्या, discharge tube, ठीक है बच्चों, डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस ली गई थी उस पर डिपेंड करते हैं। क्यों बच्चों, ये तो न्यूक्लियस जा रहा था ना उधर की तरफ, प्रोटॉन की, हाइड्रोजन के केस में तो हल्का था, समझ रहे बच्चों, केवल केवल एक ही प्रोटॉन था,
बस हर किसी एटम के केस में तो प्रोटॉन अलग सॉरी न्यूक्लियस अलग हो सकता है ना, उसका न्यूक्लियस तो क्या था केवल एक ही पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, पर औरों के केस में क्या है चेंज हो रहा था, ठीक है। तो डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, दे डिपेंड्स अपॉन दी गैस यूज, ठीक है। नंबर थ्री, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्या बच्चों इलेक्ट्रिक और दे बिहेव्स एज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। नंबर फोर, दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल, पार्टिकल्स, ठीक है। तो मटेरियल पार्टिकल की बनी हुई होती हैं, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या हो गई बच्चों, किसकी, एनोड रेज की, ठीक है बच्चों। तो ये क्या था बच्चों, दरअसल प्रोटॉन थे, और आपको बात बताऊं इसका जो चार्ज था बच्चों, तो चार्ज क्या था, चार्ज ऑन प्रोटॉन, और प्रोटॉन मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट में मालूम पड़ा था ये प्रोटॉन था, तो वो क्या था 1.6 इंटू 10 टू की पावर माइनस 19 कूलाम पॉजिटिव था बच्चों, ठीक है, कूलाम पॉजिटिव चार्ज था, समझ रहे बच्चों, ये क्या था पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। और इसका मास क्या था, मास ऑफ प्रोटॉन क्या था 1.67 इंटू 10 टू की पावर माइनस 27 केजी, ठीक है, ठीक है, 24 होता है ग्राम में, 24, 25, 26, 27, ठीक है, 27 केजी। ये था क्या बच्चों, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और एनोड रेस या कैनाल रेस, ठीक है बच्चों। तो अब बात करते हैं हम किसकी, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, तब तक ये आप नोट कर लीजिए, ओके। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, तो अब बात करते हैं क्या बच्चों, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। हाँ, ये बात तो आपको बताई थी मैंने कि जो कैनाल रेज थी या प्रोटॉन की जो डिस्कवरी थी वो गोल्डस्टीन ने की थी, ठीक है। कुछ लोग रदरफोर्ड को भी बोलते हैं, रदरफोर्ड का भी काम था उसमें, बट गोल्डस्टीन ने बहुत मेहनत की थी, तो गोल्डस्टीन को ही श्रेय जाता है उसका डिस्कवरी का, ठीक है, तो कन्फ्यूजन में ना आए, ठीक है। हाँ, बात करते हैं क्या, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, सबसे पहले ये देखिए बच्चों कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के पीछे बहुत सारी बातें थी, कि अब डिस्कवरी प्रोटॉन की भी हो चुकी है, डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की भी हो चुकी है, तो उसके बाद जो एटम का मास है, अब इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है, ठीक है, तो जो एटम का मास होता है वो लगभग कह सकते हो कि प्रोटॉन के मास के बराबर होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं था, क्यों, उसका मास तो लगभग डबल बैठ रहा था, कहीं उस केस में ज़्यादा भी बैठ रहा था। तो इससे एक बात तो क्लियर थी कि कोई ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल और होता है न्यूट्रल, ठीक है, ऐसा एक सब एटॉमिक पार्टिकल और होता है जो उसके मास के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है, तो वो सोच रहे थे कि वो न्यूट्रल ही होगा, ठीक है। उस समय लोग रेडियो एक्टिविटी की भी डिस्कवरी हो चुकी थी, तो रेडियो एक्टिविटी पर बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, ठीक है। तो अब ये उस समय की बात है कि चैडविक ने 1932 की बात है शायद, हाँ 1932 में चैडविक ने क्या काम किया था इस पर,
रिसर्च करना स्टार्ट की थी, ठीक है। उन्होंने क्या काम किया था कि बेरिलियम की सीट पर, बेरिलियम की सीट को बम्बार्ड किया था, किससे, अल्फा पार्टिकल से, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल से जब बम्बार्डिंग की थी तो एक नया पार्टिकल देखने को मिला था, ठीक है। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं उनके बारे में। इन 1932, ठीक है, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक बम्बार्डेड अथेन सीट ऑफ बेरिलियम, क्या बच्चों, बेरिलियम विद फास्ट मूविंग, क्या बच्चों, विद फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। देन ही फाउंड दैट बेरिलियम इज कन्वर्टेड इंटू कार्बन एंड अ न्यूट्रल पार्टिकल कम्स आउट, ठीक है। लेटर इट वॉज नेम्ड, क्या बच्चों, न्यूट्रॉन, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस ऑफ, इट्स न्यूट्रल नेचर, ठीक है। दो चार लाइनें लिख ली हमने। तो उन्होंने क्या किया था कि एक बेरिलियम की थिन सीट ली, बेरिलियम का मास नंबर कितना होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर 4, और मास नंबर कितना हो गया 9, और उस पर उन्होंने जो एक्चुअली 2 और 4 उन्होंने अल्फा पार्टिकल, क्या बच्चों, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की। तो अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है, या मैं कहूँ अल्फा पार्टिकल पर हीलियम के बराबर मास और चार्ज होता है, ठीक है। हीलियम का न्यूक्लियस होता है अल्फा पार्टिकल, तो उसका मास क्या था, 4 यूनिट और चार्ज 2 यूनिट था। तो ये बम्बार्डिंग होती है इसके ऊपर, और क्या होता है बच्चों कि एक नया पार्टिकल बन जाता है जिसका मास नंबर 6 और सॉरी एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12 था, जो कार्बन था, ठीक है। और एक पार्टिकल निकलता है 0N1, और ये 0N1 क्या है बच्चों, यहाँ पर चार्ज कुछ नहीं है, मास था 1 यूनिट, और यही था क्या बच्चों, न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से किसकी डिस्कवरी हुई थी बच्चों, न्यूट्रॉन की, बट ये काफ़ी बाद में हुई थी, ठीक है, बट कोई बात नहीं, इसके साथ ही पढ़ा दी जाती है बच्चों, ठीक है। तो 1932 में जेम्स चैडविक बम्बार्डेड अ थिन सीट ऑफ बेरिलियम, ठीक है, विद फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल, ठीक है। देन ही फाउंड दैट बेरिलियम इज कन्वर्टेड इनटू, क्या बच्चों, कार्बन एंड अ न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल कम्स आउट, लेटर इट वॉज नेम्ड न्यूट्रॉन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रल नेचर। तो बेरिलियम लिया, यहाँ पर 2He4, तो 4 और 2 6 हो गया मास नंबर, एटॉमिक नंबर, क्योंकि ये 4 यूनिट और 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और 9 और 4 क्या होगा, 13, ये 12 हो गया क्योंकि 1 यूनिट मास इधर चला गया। तो बच्चों ये बात हो गई E अपॉन M मास की, E अपॉन M रेशो की, किसके, इलेक्ट्रॉन, उसके बाद डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो बच्चों आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो को देखिए, दोस्तों को भी दिखाइए। कीप वॉचिंग, स्टे सेफ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग, स्टे सेफ।